तो सफर को जारी रखते हुए हम ऋषिकेश से पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए निकल पड़े। ऋषिकेश से मसूरी की दूरी है 73 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में 2-3 घंटे तक लग सकते हैं। सी लेवल से मसूरी की ऊंचाई है लगभग 2000 मीटर। इसके उत्तर में है हिमालय की बर्फीली चोटियां और दक्षिण में दून की घाटी। हेलो, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं मुसाफिर अनचेंड। आज है हम लोग मसूरी में। अगस्त महीने में आने की वजह से सारी मसूरी बादलों की चादर से ढकी थी। मसूरी हम पहले भी आ चुके हैं, पर कभी यहाँ के रोपवे पर नहीं चढ़े, तो सोचा क्यों ना इस बार यही किया जाए। रोपवे का रेट है 75 रुपीज फॉर अ राउंड ट्रिप। रोपवे से ऊपर जाते वक्त आपको पूरे मसूरी के नज़ारे दिखते हैं। ये रोपवे आपको मसूरी के सेकेंड हाईएस्ट पीक गन हिल तक ले जाती है। अभी हम लोग हैं गन हिल पे मसूरी के एंड इट्स टोटली क्लाउडेड। साफ मौसम में आपको यहां से गंगोत्री के साथ साथ दूसरी पहाड़ियां भी दिखती है। गन हिल से जुड़ी दो कहानियां हैं। पहली में बोला जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में एक लोकल ने यहां एक कैनन पहाड़ी के ऊपर लगाया और उससे वो ब्रिटिशर्स पर हमला करता था, और दूसरी की 1857 में ब्रिटिशर्स ने कैनन को यहां लगाया और हर दिन दोपहर 12 बजे इसे दाग कर समय बताया करते थे। अब आपको जो कहानी ज्यादा दिलचस्प लगे आप उसे मानिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहाड़ों में कूड़ा ना फैलाएं। अगर प्लास्टिक की बोतल यूज करें तो डस्टबिन में डालें, ना कि इनकी तरह। तो गनहिल घूमने के बाद हम चल पड़े थोड़ी पेट पूजा करने। मसूरी में एक सब्सटैंशियल टिबेटन पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ आकर ऑथेंटिक टिबेटन फूड ट्राई करना मिस ना करें। तो अभी मैं हूँ मोमोज पॉइंट में, इट्स जस्ट बिसाइड द चिक चॉकलेट शॉप। ये देते हैं आपके ऑथेंटिक टिबेटन फूड एंड दिस मोमोज आर रियली डिलीशियस। If you come to Mussoorie, you must try them. So I am at Chick Chocolate, Mussoorie ke Mall Road pe, aur ye basically ek dessert shop hai. There are different types of pastries, cheesecake, chocolates milte hain. So maine yahan pe ye hot chocolate fudge order kiya hai. It's good. Ye tha hamara room Tulipin Hotel mein. राइट ऑन द मॉल रोड। काफ़ी स्पेशियस एंड कंफर्टेबल था। प्राइस वैरीज विद सीजन। नेक्स्ट डे वी वेंट टू अ स्मॉल कैंटोनमेंट टाउन नियर मसूरी, लैंडोर।
आज है सेकेंड डे, हम मसूरी से लैंडोर आए हैं एंड लैंडोर काफ़ी शांत जगह है एज़ कम्पेयर टू मसूरी. और बिकॉज इट इज़ अ मंडे सो क्राउड भी कम है. इट इज़ अ नाइस प्लेस. लैंडोर को बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए इन 1827 और तब से लगता है यहाँ कुछ बदला नहीं है. लैंडोर टाउन आर्ट की शेप में बसा है. यहाँ ज़्यादा कुछ करने को तो नहीं है पर रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट है. यहाँ वेदर एंजॉय करिए, इंग्लिश स्नैक्स खाइए और बस आराम से घूमिए. यहाँ पे वॉक करना काफी शांत है. इट इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम. बिल्कुल शांत. लाइक दीज आर द थिंग्स विच यू मिस इन अ सिटी लाइफ. दीज आर द थिंग्स फॉर विच यू कम बैक टू द माउंटेन्स. दीज आर द थिंग्स विच मेक यू लिव. दिस इज लाइफ. It is just so peaceful. Bilkul shant. No one to disturb you. अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. दोस्तों और फैमिलीज में शेयर करें एंड फील फ्री टू कमेंट. इट विल हेल्प मी टू ग्रो. लैंडोर घूमने के बाद हम धनोल्टी के लिए निकल गए और क्या बताऊं ये रास्ते कितने सुंदर थे. आप खुद ही देख लीजिए. धनोल्टी में ज़्यादा कुछ तो नहीं है. एक इको पार्क है जिसे देखकर हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. टाटा बाय बाय.